हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बनाएंगे टमेटो रिजोटो। रिजोटो एक इटालियन डिश है जिसको हम ब्रॉथ के साथ कुक करते हैं। वी कुक इट विद ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ और चिकन ब्रॉथ अंटिल इट रीचेज अ क्रीमी कंसिस्टेंसी। स्टार्ट करने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। टमेटो रिजोटो बनाने के लिए सबसे पहले हमें टमेटो प्यूरी बनानी है। यहाँ मैंने हाफ के जी टमेटोज लिए हैं, आधा किलो टमाटर जिसको मैंने हाफ काटा है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे जिसको हम पहले से ग्रीस करके रखा है, उसमें इन टमेटोज को अपसाइड डाउन अरेंज करेंगे एंड उसके ऊपर मैं डालूंगी 2 cloves ऑफ गार्लिक फाइनली चॉप्ड, आधा चम्मच चीनी, 2 tablespoons ऑयल। आई हैव यूज्ड ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब हम उसके ऊपर सॉल्ट और ब्लैक पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्प्रिंकल करेंगे एंड ये हमारे प्री हीटेड ओवन में जाएगा 30 टू 40 मिनट्स के लिए at 200 degree Celsius. You need to keep a check after 25 minutes as every oven is different. हमारे tomatoes approx 35 minutes के बाद ready हो गए हैं। इसकी skin हम लोग peel off करेंगे and we will blend it into a smooth puree. ये हमारी tomato puree ready है। उसके साथ में हमें vegetable broth भी prepare करना है। 3.5 cups of vegetable broth. वेजिटेबल ब्रॉथ इज नथिंग, बस आपको वेजिटेबल्स को बॉइल करना है एंड यू हैव टू स्ट्रेन देम। यहाँ मैंने यूज किए हैं 2 onions, थोड़े से गार्लिक की क्लोव्स, 2 carrots, 2 potatoes। यू कैन ऑल्सो एड सेलरी इफ यू हैव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से वेजिटेबल्स यूज करते हैं। वेजिटेबल ब्रॉथ को स्ट्रेन करने के बाद हम लोग इसको टमेटो प्यूरी के साथ गर्म करेंगे एंड द फाइनल ब्रॉथ विल बी रेडी जिससे हम रिजोटो बनाएंगे। हमें अपने वेजिटेबल स्टॉक को एकदम हॉट रखना है, वी नीड टू बॉयल इट सो दैट हमारा राइस अच्छे से इवनली कुक हो जाए। नाउ मूविंग फर्दर फॉर मेकिंग ऑफ रिजोटो, एक पैन में हम 1 tablespoon ऑयल लेंगे, उसी के साथ हम 1 tablespoon बटर भी लेंगे एंड वी विल हीट इट। वंस हॉट वी विल एड एन अनियंस, मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको हम 5 to 6 minutes के लिए कुक करेंगे। वी नीड टू कुक इट प्रॉपरली एंड इवनली, कीप ऑन स्टरिंग इन बिटवीन। इसमें हम ऐड करेंगे 2 cloves ऑफ गार्लिक। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे 1 cup ऑफ राइस। मैं यहाँ पे अर्बोरियो राइस यूज कर रही हूँ जो बेसिकली रिजोटो में ही काम आता है। This gives a wonderful creamy texture to the risotto. अब हम इसको कुक करेंगे। ये बहुत ही स्लो मेथड है कुकिंग का, दिस नीड्स पेशेंस बट द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो आपको 1 ladle ऑफ वेजिटेबल स्टॉक के साथ अपने रिजोटो को कुक करना होगा। यू हैव टू ऐड 1 ladle ऑफ स्टॉक एट अ टाइम एंड देन कुक इट फॉर अ मिनट एंड देन जब आपको लगे कि आपका राइस ड्राई हो गया है आप दूसरा लेडल डालेंगे। दिस होल प्रोसेस विल टेक अप्रॉक्स 20 टू 25 मिनट्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सा राइस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्लेन नॉर्मल राइस यूज़ करते हैं जो आपके घर में होता है तो आपको कम टाइम लगेगा एंड आपका राइस जल्दी कुक होगा, उसमें आपका वेजिटेबल स्टॉक भी कम लगेगा। मैंने वाइट रिजोटो भी बनाया है जिसकी रेसिपी इज राइट नाउ फ्लैशिंग इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द वीडियो। Our risotto is now half cooked. It still needs 10 to 15 more minutes. आप एक बार में भी vegetable stock डाल सकते हैं but उससे उसका वो texture, वो smoothness, वो creaminess risotto में नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। If at any point of time आपको लगे कि आपका broth खत्म हो रहा है and आपका rice अभी भी कच्चा है तो आप plain water भी add कर सकते हैं। So now after approximately 30 minutes हमारा रिजोटो रेडी है, दिस इज नाउ रेडी। इसको हम गार्निश करेंगे ड्राइड पार्सले से।
आप रोजमेरी भी यूज कर सकते हैं, ड्राइड रोजमेरी इफ यू हैव। थोड़ा सा पेपर एंड सॉल्ट, सॉल्ट हमारे ब्रॉथ में था तो उसके अकॉर्डिंग हमें डालना है। फाइनली इसको और चीज़ी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ मोज़रेला चीज़ क्यूब्स। फाइनली गिव इट अ गुड मिक्स और हमारा रिजोटो रेडी है। हम इसको थोड़े से फ्रेश बेजल लीव्स के साथ गार्निश करेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ इट सम चीज़। आ क्रीमी टमेटो रिजोटो इज नाउ रेडी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। डू ट्राई इट एंड लीव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट। वी विल बी बैक विद अनदर रेसिपी। अंटिल देन, बाय बाय।